कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज अजमेर पहुंचे, जहां उनका समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद सचिन पायलट मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन्हीं योजनाओं के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार एक बार फिर रिपीट होगी। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार रिपीट होने की स्थिति में विधायक दल मुख्यमंत्री तय करेगा। इसके अलावा गुटबाजी पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में गहलोत और पायलट गुट नहीं है, बल्कि राहुल सोनिया खड़गे गुट हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बातों को हम ठेस ना पहुंचाएं। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं बहुत दिनों से पत्रकार वार्ता नहीं करी थी, मैंने कहा सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है, तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। लेकिन